पूरा गाड़ी पलटी मार दिया है, देखिए का बेलूम है, अभी लेकर आए हैं 2500 में। तो क्या करें, इस बार टायर फट रहा है, बेलूम फट रहा है, सब चीज़ फट रहा है, पता ना माथा खराब हो रखा है। तो गाड़ी के 1500 रुपये लेगा यहाँ पर, देखिए सामने में आँची उठा रहा है और बत्ती जल रहा होगा तो मुझे भी रोकेगा। ये मछली का पीस है, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेश साहू, कैसे आप सब, हमारा न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और मैं अभी नागपुर में हूँ, तो यहाँ पर 4 बजे आ गए थे इस नाग पंप में, तो यह बहुत बड़ा पंप है, तो नागपुर से आगे है 10 किलोमीटर मऊदा में, तो यहाँ पर 4 बजे आकर सो गए थे और अभी 8 बजे उठा हूँ। तो नहावा लिए अच्छा से, क्योंकि मन भारी हो रखा था, क्योंकि कल काम बहुत किए थे, टायर बहुत खुले थे, 5 टायर अकेले खुले थे बगैर मशीन का, तो शरीर थक गया था, तो नहा लिए तो मन फ्रेश हो गया। तो अभी सुबह सुबह खाना बना रहा हूँ, खाना वाना खा गया से निकलेंगे एक के बाद रायपुर। तो यह खाना बना रहे आज चावल और बेसन की सब्जी, तो आपको दिखाएंगे बेसन की सब्जी कैसे बनाते हैं। ये बेसन है, ये लगा खाना बनाने में। तो ये देखिए बेसन की सब्जी दोस्तों, खाने में बहुत टेस्ट लग रहा है, ऐसा बना के खाते हम, खाने में बहुत टेस्ट लगता है। तो बेसन की सब्जी हो गई दोस्तों, अभी खा के निकलते हैं, बहुत टाइम हो चुका है। फट गया है लिफ्ट का बेलूम, फट गया है, तो मैं टायर उठा के लेकर आ रहा हूँ 100 किलोमीटर से, क्योंकि आगे रायपुर है और लिफ्ट उठा के जाएंगे तो वहाँ पर रायपुर में केस कर देगा, लिफ्ट उठाना अलाउ नहीं है रायपुर में, तो केस कर देगा टायर वाला, तो मुझे बेलूम लगाना पड़ेगा अभी। तो यहाँ पर देवरी में मिस्त्री है, देखा तो वही लिफ्ट का बेलूम है, अभी लेकर आए हैं 2500 में। तो क्या करें, इस बार टायर फट रहा है, बेलूम फट रहा है, सब चीज़ फट रहा है, पता ना माथा खराब हो रखा है। तो 2500 रुपया लिया है, अब इसको फिटिंग करवा रहे हैं, क्योंकि आगे में रायपुर है, लिफ्ट उठा के जाएंगे तो वहाँ पर केस कर देगा टीआई वाला, 2000 रुपया 2500 रुपया लेता है, नहीं तो 20000 का केस कर देता है ओवरलोड का, तो इससे अच्छा सामान ही लगवा लेते हैं। तो आगे में सिटी है तो वहाँ पर लिफ्ट उठा के जाएंगे तो रायपुर में केस कर देता है टीआई वाला लोग, तो लगवा लेते हैं यहाँ पर। मैं अभी देवरी में हूँ, देखिए दोस्तों गाड़ी कैसे पलटी मारा हुआ है, देखिए बाप रे भाई, हम खतरनाक नीचे उतर गया है, सिंगल रास्ता है यहाँ पर, बराबर गाड़ी पलटी होता है। अरे यार पूरा गाड़ी पलटी मार दिया है, देखिए ये क्या माल इसमें है, वो इसमें क्या माल उठ गई है, क्या माल है, जीओसी है, देखिए जाकर देखते हैं, तो गुरु दक्षिणा देंगे जाकर उसको। अभी मैं देखिए यहाँ पर आईटीओ रहता है, देखिए हार्ड गाड़ी का पैसा लेता है,
जाते हैं, देखिए रुकते हैं, पैसा लेगा यहाँ पर, देखिए खड़ा है ना, आईटीओ है। So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder but my body won't. Hello, दोस्तों, मैं भी रायपुर पार कर गया हूँ और आरंग में आकर गाड़ी में टंकी में तेल भर रहा हूँ क्योंकि टंकी खाली हो गया नासिक का फुल। तो यहाँ पर टंकी फुल होगा तो एक बार कलकत्ता जाऊँगा। तो गाड़ी का टंकी फुल हो रहा है तो अभी कितना 28,000-29,000 डीजल जाएगा इसमें, क्योंकि टंकी पूरा खाली हो गया है। तो अभी रायपुर में बहुत भीड़ था, तो रायपुर पार करने में 3 घंटा लग गया, 3 घंटा बहुत भीड़ था। तो आस्ते आस्ते आ रहे थे, जल्दीबाजी नहीं, तो रायपुर में आस्ते आस्ते आना है, जल्दीबाजी नहीं करना है।